असलम आपने देखा होगा कि जब भी आप फेसबुक को यूज़ करते हैं यानी फेसबुक को ओपन करते हैं तो सब के सामने ये ब्लू ये ग्रीन कलर का निशान चल जाता है कि आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं और आप फेसबुक पर ऑनलाइन हैं तो अगर आप चाहते हैं कि ये ब्लू का ये ग्रीन कलर का निशान सब के सामने ना जाए यानी कि आप ऑनलाइन है ये सबको दिखाई ना दें तो इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ये किस तरह से कर सकते हैं यानी कि आप इस ग्रीन कलर के निशान को किस तरह से बंद कर सकते हैं इसके लिए आपने करना को यूँ है कि हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें तो सबसे पहले आपने फेसबुक ओपन करनी है और यहाँ पर तीन लाइन वाले निशान पर आपने क्लिक कर देना है तो इसके बाद आपने थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर सेटिंग और प्राइवेसी पर क्लिक करके सेटिंग्स को ओपन कर लेना है तो जैसे ही यहाँ पर सेटिंग्स ओपन हो जाएँ तो आपने थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और प्राइवेसी के टैब में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्टिव स्टेटस तो आपने इस एक्टिव स्टेटस पर क्लिक करना है आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ एक ऑप्शन आ जाता है तो यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का कर बटन दिखाई देता है आप जैसे इस ब्लू कलर के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये ब्लू कलर बटन ग्रे हो जाता है यानी कि ये ऑफ हो जाता है ये आपका स्टेटस है जो ग्रीन कलर का आपको वहाँ पर दिखाई देता है ये अब जब ऑफ हो जाएगा तो आपको किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप ऑन हैं या ऑफ़लाइन हैं सिर्फ उसी बात पता चलेगा जब आप किसी को मैसेज करेंगे तो यहाँ पर लिखा वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि रिसेंटली ऑनलाइन यानी कुछ देर पहले ये जो यूज़र है ये ऑन था और अगर आप दोबारा से ये चाहते हैं कि आपका जो स्टेटस है वो ऑफ ना रहे वो जब आप ऑन हो तो वो ऑन हो जाए जब आप ऑफ हो तो वो ऑफ़ हो जाए तो आपने दोबारा से इस जो ये बटन है इसको ब्लू कर देना है यानी कि इसको ऑन कर देना है आप जैसे इसको ऑन कर देंगे तो आप जब भी ऑन होंगे तो ये ऑन दिखाएगा जब आप ऑफलाइन होंगे तो ये ऑफलाइन लाइन दिखाएगा तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि आप किस तरह से अपने एक्टिव स्टेटस को हाइड कर सकते हैं आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं तो मिलते हैं हमारे किसी यूज़फ़ुल वीडियो में अल्लाह हाफ़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें